नमस्कार, आज हम कक्षा 3 का पाठ 8 जल ही जीवन का आधार है पाठ पर चर्चा करेंगे कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। पानी हमारे दैनिक कार्यों जैसे पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पेड़ों की सिंचाई के लिए, जानवरों व पक्षियों को पीने के लिए काम आता है। इससे हमें जानकारी हो गई है कि जल हमारे कितने आवश्यक है। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। विमला विद्यालय से घर आई तो देखा उसकी माँ पानी भर रही थी। उसने देखा पिताजी मटकी का बचा हुआ पानी फेंक रहे थे। विमला ने पिताजी से पूछा कि आप इस पानी को क्यों फेंक रहे हैं। पिताजी, बेटा पानी बासी हो गया है, यह तो पिछले दिन का भरा हुआ है। विमला ने पिताजी से कहा, पिताजी इस पानी को दूसरे उपयोग में ले लेना चाहिए। आज हमारे गुरुजी ने कक्षा में बताया है कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए। पानी बहुत सीमित मात्रा में है और गुरुजी ने हमें कविता भी सुनाई। पानी बहुत ही काम का, प्यासा जाने मोल, सोच समझ कर खर्च कर पानी है अनमोल। देखिए इस चित्र में जल का दुरुपयोग हो रहा है। ये बालक है, बालक मंजन कर रहा है, परंतु साथ में साइड में नल खुला पड़ा हुआ है। जबकि क्या करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना नल चलाओ और बाद में बंद कर देना चाहिए। इधर एक और चित्र है जिसमें बाल्टी भर गई है और बाल्टी में से पानी डुल रहा है। ये क्या है, जल के दुरुपयोग। एक नल है जिसमें से धीरे धीरे पानी टपक रहा है जो किसी काम का नहीं है। संजय बाड़मेर जिले में दूर ढाणी में रहता है। उसे नहाने के लिए प्रतिदिन आधा बाल्टी पानी मिलता है। वह पानी से नीम के पेड़ के पास में बैठकर नहाता है। उसके नहाने का पानी पेड़ को भी मिल जाता है, जिससे पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। उसके घर के सभी सदस्य ऐसा ही करते हैं। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, कई लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। वे लोग पानी का उपयोग बड़ी मितव्ययता से करते हैं। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए उनके घरों या ढाणियों में टांके बने होते हैं। यदि हम बरसात का पानी इकट्ठा कर लें तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये टंकी है स्थानीय क्षेत्र की, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा कर रखा है और गांव की जो महिलाएं हैं वो पानी भरते हुए आपको नज़र आ रही हैं। इसी के नीचे एक चित्र और है जिसमें महिलाएं दूर से पानी भरकर ला रही हैं। जल हमारे दैनिक कार्य जैसे नहाना, धोना, पीना व खाना बनाना के काम आता है। इसके अलावा भोजन को पचाने, शरीर से उत्सर्जित पदार्थ निकालने में मदद करता है व शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी करता है। अतः हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। अभी तक हमने पानी के उपयोग को समझा है। पेड़ पौधों और जीव जंतु के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। देखिए इस चित्र में बारिश के जल का संग्रहण। बारिश हो रही है, बारिश का पानी जो भी छत पर गिरा है वहाँ पर नाली बनी है। छत का सारा पानी नाली के द्वारा इस टंकी में आ रहा है और इस टंकी का जो पानी है वो हमारे दैनिक कार्य में उपयोग हो रहा है। देखिए जल का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। ये बालक है, बालक
पानी पी रहा है, इसके बाद दूसरे वाले में नहाने के लिए काम में आ रहा है, तीसरा जो चित्र है उसमें पानी का उपयोग कपड़े धोने के उसमें आ रहा है, चौथा जो चित्र है जानवरों को पानी पीने के काम आ रहा है, पांचवा जो चित्र है उसमें बर्तन धोने के काम आ रहा है पानी, और जो छठा वाला चित्र है उसमें पानी का उपयोग पौधों को सिंचाई करने के काम आ रहा है। आपने आसपास लोगों को पेड़ पौधों को पानी देते हुए देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि किसान अपनी फसल को पानी से सींचते हैं। यह भी आपको पता होगा कि बरसात नहीं आने पर फसलें सूख जाती है, अतः पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। वे अपने लिए पानी ज़मीन के अंदर जड़ों द्वारा सोखते हैं। जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। क्यों कम पानी पीता ऊँट? एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद बहुत दिनों तक ऊँट को जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खाल मोटी होती है तथा इसे पसीना कम आता है, साथ ही इसका मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होता है। इस कारण उसके शरीर में पानी का खर्च कम होता है। आपने सुना होगा कि इसकी कूबड़ में पानी की थैली होती है, परंतु वास्तव में इसकी कूबड़ में वसा होती है जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में बदल जाती है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा है, ये देखिए। पानी की बचत करना आवश्यक है। इस पाठ में बताया गया है कि पानी की बचत किस प्रकार से की जाती है। बरसात के पानी का संग्रहण करना भी हमने इसमें सीखा है, चित्र द्वारा भी सिखाया गया है। पानी के कई उपयोग होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कई उपयोग होते हैं वो, और उसके बाद पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। सोच समझकर खर्च पानी व्यर्थ बहाने में है हानि। धन्यवाद।